नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। तकाकी कजिता और आर्थर मैकडोनल्ड को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। जापान के वैज्ञानिक तकाकी कजिता और कनाडा के आर्थर मैकडोनल्ड को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। न्यूट्रिनो की गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली प्रकृति की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। इस खोज से यह अहम नजरिया विकसित हो सका है कि सूक्ष्म कणों में भी द्रव्यमान होते हैं। नोबेल के लिए चुने गए दोनों वैज्ञानिक 80 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी 9,60,000 अमेरिकी डॉलर आपस में साझा करेंगे। ये पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को आयोजित होगा। दादरी कांड में 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश। बहुचर्चित दादरी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, बीजेपी विधायक संगीत सोम, बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बिसाड़ा गांव की यात्रा के दौरान धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दादरी के बिसाड़ा गांव में ही पिछले सप्ताह गोवध की अफवाह के बाद उग्र भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट में तीनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं पर लगाम कसी। भारतीय जनता पार्टी ने दादरी कांड पर उकसाने वाले बयान देने वाले नेताओं पर लगाम कसते हुए सख्त हिदायत दी है कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय मरहम लगाने का काम होना चाहिए। पार्टी के सूत्रों से पता चला है कि आला कमान ने उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार नेताओं योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम, साक्षी महाराज और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा एवं संजीव बलियान द्वारा दादरी हिंसा पर दिए गए बयान पर एतराज जताते हुए उन्हें भविष्य में संयम बरतने की हिदायत दी है।